नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। शैक्षिकी समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा 16 सूत्रीय ज्ञापन। जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद से भेंटवार्ता कर लंबित शैक्षिकी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। आज राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद ने जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे से भेंटवार्ता कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 16 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर शैक्षिकी समस्याओं के अविलंब समाधान करने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह एवं जिलाध्यक्ष एवं किसान इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव मोहन सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ मुरादाबाद ने जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद डॉक्टर अरुण कुमार दुबे से भेंटवार्ता कर शैक्षिकी समस्याओं पर 16 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा, जिसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, उत्तर प्रदेश में बने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 को यथावत अधिनियमित करते हुए विद्यालयों के प्रबंध तंत्र की मनमानी और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हुए उत्तर प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 63,000 से भी अधिक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को पूर्ववत सेवा सुरक्षा प्रदान करने, स्ववित्त पोषित वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन मानदेय देने और उनकी सेवा सुरक्षा नियमावली बनाने आदि की मांग ज्ञापन में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक से भेंटवार्ता एवं ज्ञापन देने में प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन सिंह, जिला महामंत्री डॉक्टर मधुबाला त्यागी, जिला उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह, जिला कोषाध्यक्ष विजय कुमार राम, जिला मीडिया प्रभारी बलदीप सिंह, पवन कुमार गुप्ता, हरि प्रताप यादव, राज किशोर आदि रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग के एक शिष्टमंडल ने आज जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद श्री अरुण कुमार दुबे जी से भेंटवार्ता करके 16 सूत्रीय शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। प्रेषित ज्ञापन में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना को अविलंब बहाल करना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 को समाहित करते हुए अधिनियमित करते हुए प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को प्रबंध तंत्र के उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें से पूर्ववत सेवा सुरक्षा प्रदान करने, स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए वो समान वेतन समान कार्य समान वेतन के आधार पर न्याय संगत वेतन या मानदेय की व्यवस्था करने और उनके लिए सेवा सुरक्षा नियमावली बनाने, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को न लगाने एवं पूरे प्रदेश के प्रदेश स्तरीय मंडल स्तरीय जिला स्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय शिक्षा विभाग के कार्यालयों में सिटीजन चार्टर की व्यवस्था करना और उसे सख्ती से लागू कराना ताकि छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाचार्यों के कार्य एवं समस्याओं का समयबद्ध तरीके से पूर्ण पारदर्शिता के साथ में निराकरण और निस्तारण किया जा सके। ऐसी ही 16 शैक्षिक समस्याएं हैं जिन पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करते हुए ज्ञापन प्रेषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद श्रीमान अरुण कुमार दुबे जी ने जिला स्तरीय जो समस्याएं समाधान की श्रेणी में आती हैं उनका त्वरित समाधान करने का आश्वासन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिष्टमंडल को दिया और ज्ञापन
माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।